क्या सच में जगन्नाथपुरी धाम डूब जाएगा? चलिए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की उत्पत्ति के संबंध में पारंपरिक कहानी यह है कि यहाँ द्वापर युग के अंत में जगन्नाथ भगवान विष्णु का एक देवता रूप की मूल छवि इंद्र नीला मणि या ब्लू व्हेल के रूप में समुद्र तट के पास एक बरगद के पेड़ के पास प्रकट हुई थी। यह मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। यह भगवान श्री कृष्ण का इकलौता मंदिर है, जहां वह अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यता है कि यहां स्थापित श्री कृष्ण की कांट मतलब लकड़ी की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है। इस मंदिर से जुड़े और ऐसे कई रहस्य हैं जो हैरान करने वाले हैं। विविधताओं से भरे भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके रहस्यों के आगे विज्ञान और सारे तर्क फेल हैं। इन मंदिरों में अलग अलग भगवानों की अनेकों मूर्तियां विराजमान हैं। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भी ऐसे हैरान करने वाले कई रहस्य हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की मूर्ति में आज भी भगवान कृष्ण का दिल धड़कता है। इस मंदिर में 12 साल बाद भगवान जगन्नाथ और अन्य मूर्तियों को बदल दिया जाता है। इसके लिए पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर में भी अंधेरा कर दिया जाता है और चयनित पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इसे ध्यान से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा होती है कि इसे देखने वाला अंधा हो सकता है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव के अनुसार उन्हें लगता है कि जैसे वे अपने हाथों में कुछ जीवित वस्तु धारण कर रहे हैं। वह पदार्थ खरगोश की तरह उछलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अष्ट धातु से बना एक दिव्य पदार्थ है और धर्म में इसे भगवान कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। इसके पीछे भी एक कहावत है। महाभारत की लड़ाई के 36 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनके शरीर को आग से ढक दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनका दिल उसके बाद भी धड़क रहा था। अग्नि भी उनके दिल को नहीं जला पाई, जिसे देखकर पांडव हैरान रह गए। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि ये दिल तो ब्रह्मा का है, इसे समुद्र में बहा दो। और भगवान श्री कृष्ण के दिल को समुद्र में बहा दिया गया। परंपरा के अनुसार इसे जल में प्रवाहित कर दिया गया था। जल शुद्धि के अनुसार उस पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया था। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रदीव को यह लट्ठा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ के भीतर स्थापित करवा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जस का तस धड़क रहा है और वो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्तियों के अंदर रखा हुआ है। इसे ही ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। मंदिर के शीर्ष पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्ट धातु से बने इस चक्र को नील चक्र कहा जाता है। इसका निर्माण ऐसे किया गया है कि आप किसी भी दिशा से देखोगे तो लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ओर ही है। इस मंदिर की एक अजीब बात यह है कि मंदिर समुद्र तट के पास होने के बावजूद मंदिर के शेर द्वार में प्रवेश करते ही समुद्र के लहरों की आवाज गायब हो जाती है और जैसे ही आप इस द्वार से बाहर निकलते हैं ध्वनि फिर से आएगी। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है
कि मंदिर के शीर्ष पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इसका क्या कारण है यह आज तक पता नहीं चल पाया है। इस झंडे का रहस्य यह भी है कि पुजारी द्वारा प्रतिदिन 45 मंजिला उल्टा चढ़कर इसे बदला जाता है और माना जाता है कि अगर किसी दिन गलती से झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। आमतौर पर मंदिर और मस्जिदों के गुंबदों पर पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, लेकिन इस मंदिर के चारों ओर ना ही कोई पक्षी ना ही कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर ही उड़ता हुआ दिखेगा। जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा 500 सालों से चली आ रही है। इसके बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। यात्रा से संबंधित एक मान्यता यह भी है कि आषाढ़ के महीने में जब बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी होती है उस समय ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान गर्भगृह से बाहर निकलकर 108 घड़े ठंडे पानी से स्नान करते हैं। इस दौरान इन्हें बाहर प्रांगण में निकालकर बैठाया जाता है और स्नान कराया जाता है। इस उत्सव को स्नान उत्सव कहा जाता है। ठंडे पानी से स्नान के बाद वो बीमार हो जाते हैं, इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद 15 दिनों के लिए मुख्य मंदिर दर्शन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान बस कुछ पुजारी ही उनके पास होते हैं जो उनका श्रृंगार करते हैं और भोग लगाते हैं। भोजन के रूप में भगवान को औषधि दी जाती है। 15 दिन बाद भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। यात्रा में जगन्नाथ जी के साथ भाई बलदेव व बहन सुभद्रा भी रथ यात्रा पर सवार होती हैं। मान्यता है कि इस रथ को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर पूरे नगर के भ्रमण को निकलते हैं। अंत में अपनी मौसी के घर गुड़िच्चा मंदिर पहुंचते हैं। रथ यात्रा के दौरान हर साल बारिश जरूर होती है। अचंभित करने वाली बात यह है कि रथ एक मजार पर रुकती है। अब हिंदू देवता का मुस्लिम की मजार पर रुकना अचंभित करता है, पर कहानी यह है कि जब भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था तब उनकी सेना में शालवेक नामक एक वीर था। शालवेक के पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान शालवेक के माथे पर चोट लग गई। इस चोट के ठीक न होने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। उसकी माँ ने शालवेक को दुखी देखकर उसे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाने के लिए कहा। शालवेक अपनी माँ की बात मानकर भगवान की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसके सपने में आए। शालवेक ने सुबह उठकर अपनी चोट को सही पाया तो वह भगवान का गुणगान करते हुए भगवान के मंदिर पहुंच गया, पर मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर नहीं जाने दिया गया। तब शालवेक ने कहा, अगर वह जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो भगवान उसे दर्शन देने खुद आएंगे। शालवेक जब तक जीवित रहा वह भगवान की भक्ति करता रहा, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी वर्ष भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही शालवेक की मजार के आगे रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन रथ एक इंच भी नहीं हिला। इसके बाद किसी ने भगवान के परम भक्त शालवेक के बारे में बताया। उसके बाद लोगों ने शालवेक के नाम के नारे लगाए, तब जाकर रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। दोस्तों, रथ यात्रा में सबसे आगे बड़े भाई बलदेव, फिर उसके बाद बहन सुभद्रा और अंत में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। दोस्तों, अब मैं आपसे जिस अशुभ संकेत के बारे में बात कर रही थी वह संकेत जगन्नाथ मंदिर के पिलर में आई दरार थी। जगन्नाथ मंदिर के स्तंभ में दरार आ गई है।
ज्योतिष के अनुसार यह दरार अच्छे संकेत नहीं दे रही और इससे ओडिशा के राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचेगी और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं भी बढ़ेंगी। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में यह स्तंभ बनाया गया था। 5वीं सदी के ग्रंथ बृहत संहिता के उत्पात अध्याय में भूमि, आकाश, देव स्थान यानी मंदिर में दरार अच्छे संकेत नहीं माने गए हैं। ये प्रकृति व स्वभाव के विपरीत स्वभाव दिखाते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी जगन्नाथपुरी मंदिर की रसोई में देर रात आग लग गई थी। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। आग लगने के कुछ दिन पहले मंदिर के गर्भगृह में केमिकल प्लास्टर के गिरने की खबर आई थी। हालांकि गनीमत रही कि भगवान बलदेव की प्रतिमा खंडित होने से बाल बाल बच गए। जगन्नाथ मंदिर में लगातार कुछ समय से ऐसी अशुभ घटनाएं घट रही हैं।